भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव के बाईपास स्थित महाकाल ढाबा के पार्टनरशिप विवाद में दो सहोदर भाइयों की 14 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गांव के ही विक्रम यादव और उसके सहयोगियों पर है। घटना के कई दिन बीत जाने और हत्या के आरोपियों के द्वारा मृतक के परिजनों को केस उठा लेने को लेकर डराने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से मृतक के घर पर फायरिंग किए जाने से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के न्यू बाईपास के किशनपुर मोड़ के पास आगजनी कर यातायात को घंटों बाधित कर हत्या में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते दिखे। वहीं ग्रामीणों और परिजनों के द्वारा बाईपास को जाम किए जाने की सूचना मिलते ही CTSP बुरंजा दलबल के साथ जाम स्थल पर पहुंचे और लोगों को सभी हत्या के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कहकर समझा बुझाकर शांत कराया। हम आपको बता दें कि महाकाल ढाबा को लेकर हुए विवाद में गांव के ही विक्रम यादव और उसके सहयोगियों ने शहादुर यादव के दोनों पुत्र गोविंद यादव और उसके छोटे भाई राजकुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। डर लग रहा है, पूरा डर से जो है हम लोग पस्त रहते हैं, क्या करेंगे, पुलिस वाला जो है कुछ रेस्ट भी नहीं कर रहा है। भागलपुर के कचहरी चौक के समीप जिला नजारत शाखा की 17 दुकानों को खाली कराकर उसे सील कर दिया गया। दरअसल DRDA के द्वारा उन सभी दुकानों को तोड़कर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पार्किंग जोन बनाया जाना है, जिसको लेकर सभी दुकानदारों को 17 जुलाई तक अपनी अपनी दुकानों को खाली किए जाने का नोटिस जिला प्रशासन के द्वारा दी गई थी, जिसके बाद आज मजिस्ट्रेट संतोष कुमार और पुलिस बल की मौजूदगी में सभी दुकानदारों के द्वारा स्वेच्छा से अपनी अपनी दुकानें खाली कर मजिस्ट्रेट के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सभी दुकानों में सील लगा दिया गया। उसके बाद सभी दुकानों को JCB की सहायता से तोड़ डाला गया। भागलपुर के कहलगांव थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने हाल के दिनों में हुए दो डकैती कांड का उद्भेदन करते हुए उसमें शामिल तीन अपराधियों को 3 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 2,24,000 रुपये और 3 मोबाइल के साथ धर दबोचा। कहलगांव SDPO देसु कृष्णा ने बताया कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर दो डकैती कांड में शामिल 3 अपराधियों को लूटे गए रकम और हथियार के साथ धरदबोचा गया। 24 जून को रिटायर्ड प्रोफेसर के घर हुए डकैती मामले में 2 और बंधन बैंक लूट कांड में 1 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों लूट कांड का मास्टरमाइंड अवनीश कुमार उर्फ आशीष पासवान को झारखंड के साहेबगंज से गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से लूटी गई राशि से 2,01,000 रुपये और देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जबकि उसकी निशानदेही पर रिटायर्ड प्रोफेसर के घर हुए डकैती कांड में शामिल भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र का सनी उर्फ राहुल को लूट के 12,000 रुपये और 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा गया। दोनों गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर कहलगांव के वार्ड संख्या 7 के निवासी संतोष कुमार शाह को लूट के 11,000 रुपये, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली के साथ धर दबोचा गया। वहीं पुलिस दोनों डकैती कांड में शामिल और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी चला रही है। गिरफ्तार तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ राजद के द्वारा पूरे जिले में प्रदर्शन किया गया। भागलपुर में जहां राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में रसोई गैस का सिलेंडर लेकर आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सुल्तानगंज प्रखंड मुख्य बाजार में प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिराज के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ निकाले गए विरोध प्रदर्शन के दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। परेशान हो चुकी है महंगाई से, हर चीज का दाम बढ़ चुका है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, लोगों की सैलरी कम हो गई है लेकिन उनका खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। त्रस्त है, 2014 में जब आने वाली थी तो स्मृति ईरानी सब जो है सिलेंडर लेके बोलती थी, प्याज लटका के हाय हाय करती थी, कहाँ गया। सरकार पूरी तरह से विफल है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, रसोई हो, जो भी जिस पर भी बात करना है उस मामले में सरकार बिल्कुल विफल है। ये सरकार जबलजन की सरकार जो है विरोधी है, गांव विरोधी है, इसलिए डीजल का दाम बढ़ा, पेट्रोल का दाम बढ़ा, गैस का दाम बढ़ा, चारों तरफ महंगाई के मार से देश तबाह है, बिहार तबाह है। जगदीशपुर प्रखंड में COVID-19 प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और महंगाई के मुद्दे को लेकर राजद के द्वारा प्रतिरोध मार्च पुरैनी से मखना चौक तक निकाला गया।
राजद कार्यकर्ताओं ने पैदल, साइकिल व ठेला पर सवार होकर पार्टी के झंडे के साथ नारे लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जमकर निंदा की। राजद के जगदीशपुर प्रखंड अध्यक्ष गुलाम सब्बीर उर्फ पप्पू के नेतृत्व में मखना चौक पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। मौके पर नाथनगर विधायक अली असफ सिद्दीकी ने कहा कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त होती जा रही है। जले पर नमक की तरह केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल का मूल्य बढ़ाकर आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री भी डीजल पेट्रोल के दाम में राज्य की जनता का भार बढ़ा रहे हैं। आसपास के राज्यों में बिहार की तुलना में डीजल पेट्रोल की कीमत कम है। विधायक ने कहा कि अगर केंद्र सरकार समय पर ना चेती तो राष्ट्रव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। इस अवसर पर राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, प्रदेश सचिव डॉक्टर त्रिपति नाथ यादव, अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मरगुबुल हसन, शुभम कुमार, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष अजय भारती, शहबाज खान इत्यादि मौजूद थे। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ एनडीए सरकार, नीतीश कुमार की सरकार और मोदी सरकार जिस तरीके से प्रदेश की जनता को परेशान कर रही है, इसका कोई अंत नहीं है। हम लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इसे भी नहीं चेतेंगे वो लोग हम चक्का जाम करेंगे, इससे बड़ा कोई काम होगा तो करेंगे। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडर तथा अन्य पदार्थ के बढ़ते महंगाई के खिलाफ भागलपुर जिला के सभी प्रखंडों में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्य बाजार में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पूर्व सांसद बांका जयप्रकाश नारायण यादव ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिराज अफरोज आलम, युवा प्रखंड अध्यक्ष नटबिहारी मंडल, राजद जिला मीडिया प्रभारी मंजीत ठाकुर सहित राष्ट्रीय जनता दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही शाहकुंड प्रखंड मुख्य बाजार में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। देश में बढ़ रहे महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि पूरे देश में आसमान महंगाई छू रही है, जनता का पॉकेट खाली हो रहा है, जिससे जनता त्रस्त है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थ, रसोई गैस, पेट्रोल, सरसों तेल, दाल सहित सभी खाद्य पदार्थों की कीमत प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और केंद्र सरकार अंबानी सहित देश की पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई पर अंकुश नहीं लगा रही है। अजीत शर्मा ने कहा कि अगर समय रहते केंद्र सरकार महंगाई पर अंकुश नहीं लगाई तो 2024 के चुनाव में जनता नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ फेंकेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड वाला कीमत था $130 के आसपास, हम लोग बेचते थे 55 से 60 रुपए के बीच में, डीजल पेट्रोल गैस 350 रुपया, और ये लोग महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। सीधा सब ये है कि अंबानी जी का रिलायंस समूह जो पेट्रोल बेचता है, गैस बेचता है, निश्चित तौर पर उसके जेब में पैसा जनता से निकाल के देने का काम कर रहे हैं। बिहार का शोक कहे जाने वाले कोसी नदी के कटाव का असर भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र के कई गांव में बदस्तूर जारी है। नौगछिया के रंगरा प्रखंड के जहांगीरपुर बैसी में काफी तेजी से कटाव हो रहा है और कोसी का पानी घर के मुहाने तक पहुंच चुका है। कटाव निरोधी कार्य के नाम पर पैसों की बंदरबांट हो रही है। कोसी नदी के किनारे डाले गए बालू की बोरी भी पानी में समाते जा रहा है। लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीण सहमे हुए हैं और अजग्गा कर रहे हैं। कटाव निरोधी कार्य शुरुआती दौर में किए गए होते तो ऐसे हालात नहीं होते, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण अधिकारियों के प्रति काफी आक्रोशित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर निरंतर इसी तरह कटाव जारी रहा तो अगले 10 दिनों में कोसी के कटाव से आवासीय इलाकों में भी प्रभाव पड़ने लगेगा। ग्रामीणों की माने तो अभी प्रतिदिन विभाग के द्वारा कटाव से बचाव को लेकर लगभग 1 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है, जो व्यर्थ साबित हो रहा है और कटाव पर रोक नहीं लग पा रहा है। ग्रामीणों की माने तो लगातार भीषण कटाव जारी है और यदि जल्द इस पर रोक नहीं लगाया गया तो कई गांवों का अस्तित्व आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। बिहार में पंचायती चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुके हैं। इस बार चुनाव बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम मशीन से कराए जाएंगे। इसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन भी तैयारियां शुरू कर चुकी है। अरुणाचल प्रदेश से 6600 ईवीएम मशीन भागलपुर मंगाए गए हैं। ईवीएम की देखभाल के लिए नोडल पदाधिकारी व टीम का चयन किया गया है। बता दें, पंचायत चुनाव में प्रयोग होने वाले ईवीएम मशीन विधानसभा और लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होंगे। नई तकनीक से युक्त ईवीएम मशीन में एक मेमोरी चिप लगी होगी, जिसमें एक चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण के चुनाव में इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकेगा।
पिछली बार तक पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाते थे। इसमें कई बार स्थानीय स्तर पर गिनती में घालमेल की शिकायतें आती थी। इस बार पंचायत चुनाव में पहली बार 6 पदों के लिए विशेष तकनीक से युक्त ईवीएम मशीन का प्रयोग होगा। जगदीशपुर प्रखंड के नयाचक मखना गांव में भागलपुर हजरिया मुख्य मार्ग से महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित 2 मंजिला एक घर में देर शाम को सिलेंडर से खाना बनाने के क्रम में आग लग गई, जिसमें हजारों की क्षति हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिलेंडर में रेगुलेटर से संबंधित तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस कारण पता नहीं चला और अचानक अंधेरे में आग लग गई। देखते ही देखते घर में रखा सारा सामान धू धू कर जलकर राख हो गया। कपड़ा लत्ता एवं घर में मौजूद कुर्सी टेबल खटिया चौकी बक्सा सब कुछ राख हो गया। घर के ऊपर का छप्पर जो कि फूस का था धू धू कर जल गया। पीड़ित परिवार के मुखिया मौसमात चिंतामणि देवी ने बताया कि वह सब्जी बेचकर किसी तरह जीवन यापन करती हैं, लेकिन अचानक लगी आग ने उसका जीवन तबाह कर दिया है। यहां तक कि सब्जी बेचकर मिले पैसे रखे थे वो भी जलकर राख हो गए हैं। पुत्र अरविंद कुमार भी घायल हो गया है। पहनने के कपड़े समेत तमाम वस्तु जल गए हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि उनके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए ताकि किसी तरह जीवन यापन किया जा सके। धुधु का जलते मकान को देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और दमकल लेकर पहुंची टीम ने पाइप से बौछारें मारी और आग पर काबू पाया जा सका। दमकल विभाग की टीम यदि समय से नहीं पहुंचती तो आसपास के दर्जनों घर आग से प्रभावित हो जाते।